के महान पुत्र, अब अपने अंतिम सफर की शुरुआत कीजिए। इजिप्ट के महान महाराजाओं के राजा महाराज, सोने का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। देवताओं का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा महाराज। उम्मीद तो यही है, जल्द ही आप फैरो बन जाएंगे। आपकी ये कुर्बानी बेमिसाल है और आपकी ये कुर्बानी आने वाली सदियों तक याद रखी जाएगी। तेरह सौ चालीस ईसा पूर्व आई की मौत के बाद, जो कि आखिरी फैरो थे, इजिप्ट की फौज जिसकी अगुवाई होरमबैब कर रहे थे, अपने राज्य से 1000 मील दूर थी, पश्चिम की एक छोटी सी नदी ओरेंटे के पास थी, जिसका सामना होने वाला था हिटाइट फौज से, जो इजिप्ट के राज्य पर कब्जा करने की सोच रहा था। जो भी घटना घटने वाली थी, उससे फैरोज के राजवंश की एक शानदार शुरुआत होने वाली थी। क्या तुम उस सीमा पर पहाड़ को देख रहे हो? हिटाइटी राजा वहीं से आने वाला है। उसके बाद उसकी फौज रेगिस्तान से होती हुई इजिप्ट पर हमला करेगी। हम उसे आगे आने देंगे और उसके बाद उसे कुचल देंगे। जब हमारे नए फैरो चुने जाएंगे तो उन्हें बतौर तोहफे में पेश करेंगे। समझ नहीं आ रहा कि आपसे सवाल पूछूं या नहीं। पूछो, तभी तो जवाब मिलेगा। आपने मुझे अपना धनुषधारी और रक्षक क्यों बनाया है? क्योंकि तुम पैरामेसिस हो, एक बहादुर के बेटे, जो मेरी फौज का एक दिलेर सेनापति था, एक बहादुर जो जंग में मारा गया। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा बेटे की तरह। उस बाज को देख रहे हो? क्या तुम उसे मार सकते हो? बिल्कुल महाराज, पर मैंने कभी किसी बाज पर तीर नहीं चलाया है, क्योंकि हर बाज होरस होता है, जिसे हम देवता की तरह पूजते हैं। मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था बेटे, यही सुनना चाहता था। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं बेटा। आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था? ये जगह जो तुम देख रहे हो, यहाँ की सच्चाई ये है कि 2 साल पहले शहजादे ज़ेनज़ेक को मारा गया था, जो कि सुपुलिलुमो का पहला बेटा था, हिटाइट्स का राजा। मारने वाले मैट के अराली थे, जो इंसाफ की इजिप्शियन देवी के कट्टर योद्धा थे। वो उन ऊंचे पेड़ों पे छिपे थे जैसे बंदर छिपते हैं। जब शहजादे का कारवां आया तो उन्होंने उसमें आग लगा दी। एक दिन आप फैरो बनेंगे और हिटाइट को इजिप्ट के राज्य से मिला देंगे। आपकी एक खूबसूरत पत्नी भी होगी और सारी जायदाद आपकी ही होगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मेरे पास जायदाद और अच्छी किस्मत भी है।
तुम इजिप्ट की शहजादी के साथ कभी अपना रिश्ता नहीं बना पाओगे, जो होरस की बेटी है, फाल्कन किंग, इजिप्ट के पवित्र फैरो। बताओगे तो मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम्हारी मौत से हमें इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि तुम इजिप्ट की शहजादी से शादी नहीं कर पाओगे। मुझे मारना इतना आसान नहीं। और हम तुम्हें यहाँ से दूर डमास्कस की दीवार के पास ले जाएंगे। इस तरह तुम्हारे पिता समझ जाएंगे तुम इजिप्ट के फैरो कभी नहीं बन पाओगे। और अब हिटाइट्स का राजा अपने बेटे ज़ेनज़ेक की मौत का बदला लेने पहुंच गया, और उसे इजिप्ट पर भी कब्जा करना था, जिसकी वजह से उसके बेटे की मौत हुई और राज भी गया। नहीं तुम्हारी जान बख्शता हूँ लड़के, अपने पिता की लाश को राज्य में ले जाओ ताकि उनका संस्कार एक बहादुर की तरह किया जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इजिप्शियन, लेकिन अगली लड़ाई मैं जीतूंगा, हिटाइट्स अमर हैं। हुँ।
देखिए वो लोग भाग रहे हैं, चलिए पीछा करते हैं। नहीं, अगर हमने अभी उनका पीछा किया तो हम डमास्कस की दीवार तक पहुंचने से पहले ही थक जाएंगे। आपने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम बेटा एक अच्छे सेनापति को पता होना चाहिए कि इंतजार कैसे करना है, और फिर बाद में हम हिटाइट्स पर हमला करेंगे। इन्हें और चाहिए। सही कहा। ये सबसे बड़े पुरोहित हैं। हमें कोई फैसला लेना होगा, हमें ये देर होने से पहले करना होगा। आप सबसे बड़े हैं, इसीलिए आपको फैसला लेना होगा। फैरो का सोने का सिंहासन काफी लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है, और अब किसी को उसका फायदा उठाना चाहिए। जिसका मतलब है कि हमें फैरो सिपाही चाहिए जो हमारे राज्य के देवताओं से ईमानदारी दिखाएं, और जो इजिप्ट और उसकी खुशहाली को बाहर के खतरे से बचाने में हमारी मदद करें। हमारी खदानों का खजाना क्या है? हमारे राज्य का खजाना है क्या? तुम हॉरेमबेब की बात कर रहे हो? फैरो सिपाही सच्चा ईमानदार शख्स? जी हाँ, वही सिपाही। वो लोग बे से बात कर रहे हैं जो बड़े सेनापति हैं। सही कहा, वो दौलतमंद है, बहुत दौलतमंद। और खास बात यह है कि वो हिटाइट्स के अच्छे दोस्त हैं। अगर उन्हें चुना गया तो ये बेवकूफी वाली बातें होंगी। सुपुलिलुमा हिटाइट्स का राजा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तोहफा मेरे महाराज की ओर से हिटाइट के लोगों के लिए है। इसके लिए मैं उनका एहसान मंद हूँ, और ये मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगा। अभी मुझे दरबार में जाना है, मुझे जरूरी काम है। मेरे पास आपके लिए खबर है, हिटाइट्स के राजा अपनी फौज के साथ हमला करने की तैयारी में है। वो नील नदी के किनारे अपना पड़ाव डालने वाले हैं, और वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत खूब, क्या बात है। और अमोन के बड़े पुरोहित क्या आपकी मदद करेंगे? बड़े पुरोहित बहुत ही भले इंसान और अच्छे दोस्त हैं, पर उन्हें क्या आपने कोई तोहफा भेजा है महाराज? हाँ, जरूर भेजा है। उसे अंदर आने दो। पर ये कैसे मुमकिन है? कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हुआ क्या महाराज? नहीं, हिटाइट्स का महान राजा सुपुलिलुमा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर ये हुआ कैसे? उन्होंने इजिप्ट की फौज पर हमला किया, और हॉरेमबेब ने उन्हें मार डाला जंग में। और उनकी फौज का क्या हुआ? वो भाग गई।
जब सूरज के सामने धुंध हो तो कुछ दिखाई नहीं देता। इजिप्शियंस आ गए। इजिप्शियन हूं, 11 सालों से गुलाम हूं। आइए आइए। पहले मैं जाऊंगा। आइए आइए मेरे साथ। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो हमारे लिए जीत छोड़ गए हैं।
अरे मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारे बेटे और देवताओं को मार डालूंगा और मैं इजिप्ट पे राज करूंगा। मैं अपनी जान पर खेलकर अपने पिता और अपने बेटों का बदला लूंगा। हिटाइट्स की हार हो चुकी है हमेशा के लिए। इसने ही हिटाइट्स पर जीत हासिल की और यही है एमोन के बड़े पुरोहित की भविष्यवाणी भी। उसे रुकना चाहिए था, सौदा करता, दाम देता। फेरो का सिंहासन मेरा है, सिर्फ मेरा। पर क्या आपको पता है कि लीबियन आदिवासी बगावत कर रहे हैं? नीबियन ने हाई इजिप्ट को बर्खास्त करने की धमकी दी है और ग्रीक के व्यापारी अब थीब्स के बाजार में नहीं आते। उन्हें डर है कि उन्हें रेगिस्तान में लूट लिया जाएगा। जानते हो ना औरंगजेब, जानते हैं कि अमन और शांति कैसे बहाल करनी है। वो एक फैरो सिपाही हैं और फौज उनके लिए वफादार है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। अरे अब चलो भी, तुमने क्या बाजी की आवाज़ नहीं सुनी? मैं नहीं आऊँगा और ना ही किसी सिपाही के सामने अपना सर झुकाऊंगा। अगर आप नहीं आए तो ठीक नहीं होगा, खतरा बढ़ सकता है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं बुजदिल नहीं हूँ, पर तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। पैसे देने का क्या फायदा? लोग आपके बारे में पूछेंगे, कुछ तो सोचिए। छोड़ो मुझे। पिताजी आप ऐसे नहीं जा सकते। अगर फैरो आपको नहीं देखेंगे तो आपको मारने के लिए वो सैनिक भेज सकते हैं। मुझे मरना मंजूर है, ना कि शर्मिंदगी झेलना, समझे तुम? शर्म से बेहतर बदला है पिताजी, इसलिए आपका जीवित रहना आवश्यक है। बात को समझिए पिताजी, उनके पास जाइए। बदला लेना बहुत जरूरी है, तुमने सही कहा। जो निशानी है धरती के राज्यों की, मंदिर की, शहरों की, हाई इजिप्ट के पानी के शासन की। लाल ताज जो निशानी है धरती के राज्यों की, मंदिर की, शहरों की, लोअर इजिप्ट के पानी के शासन की। और सबसे बड़ा ताज हमारे हायर और लोअर इजिप्ट के राज्यों की निशानी और इस राज्य के सेवादारों की। औरंगजेब, हिटाइट्स के महान शानदार विजेता, अब आप होरस हैं, अमर फाल्कन गॉड के, इजिप्ट के अनंत फैरो। आप हर जगह उड़ेंगे, हर जगह को देख सकेंगे, अपना बदला ले पाएंगे, अपनी दोस्ती निभा पाएंगे महाराज।
ये तो मर गए, देवता ने इनकी जान ली होगी। हाँ, पर कुछ देर पहले तो ये ठीक थे। देवता ने जान ली होगी ऐसा इसने कहा ना, या इनकी हत्या की गई। हो सकता है मैट ने इन्हें इस तरह मौत के राज्य में ऐसे अचानक बुलाया हो, और अब एनोबिस गॉड शिकेलो को इनकी आत्मा का इंतजार है जो पंख से भी हल्की है। पर हॉरस का शासन पवित्र फैल्कन इससे कहीं ज्यादा ऊंचा है। इनकी रक्षा गॉड एमॉन करेंगे और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अमान, वो देवता जो हवा चलाते हैं, जो द्वीप के रक्षक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। वो अपनी सांसों के जरिए हाई प्रीस्ट की आत्मा को लेने आए हैं और उनके आखिरी सफर में उनको अपने साथ ले जा रहे हैं। वो अमान ही है जो अपने वफादार सेवकों के शरीर के सामने जो मौत की आगोश में चले गए हैं। एमॉन ही है जो वफादार सेवकों के शरीर के सामने मौत की आगोश में चले जाते हैं। होमरात को चुनते हैं जो एमॉन के नए प्रीस्ट होंगे, अपने पिता की जगह लेंगे, और यही हमारी परंपरा है। उठो होमरात, गले लग जाओ। कौन हो तुम लोग? यहां से बड़े पुरोहित आ सकते हैं बस। ध्यान से सुनो, यहाँ थीब में मैं एक इत्र और कालीन बेचने वाला व्यापारी हूँ। मेरा नाम लाइजैक है, सिर्फ लाइजैक। ये बात अपने आदमियों से कह देना, ध्यान रहे। आपका हुक्म सर आंखों पर, ऐसा ही होगा। तो बताओ तुम क्या लेकर आए हो? जो कुछ आपने लाने के लिए कहा था महाराज, कालीन, गहने और जड़ाऊ बक्से, खुशबूदार चीजें और कपड़े। उम्मीद है इसके अलावा भी कुछ और? उसके अलावा जैसा कि आपने कहा था, मैं सोना और हथियार भी लाया हूँ जो बक्से और कालीनों के नीचे छिपाए गए हैं। और आदमी वो कितने हैं? आपकी हिफाजत के लिए 20 योद्धा हैं जो आपका सामान उठा रहे हैं। आखिरकार आप अकेले नहीं रहे महाराज। चलो आओ मेरे साथ, चलो। आपका स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। अंदर आइए। आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूं ताकि आपका ध्यान ना भटके। आ,
तो आपको सबूत चाहिए था और वो मैंने आपको दिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कर पाओगे। बदला मेरा होगा और सिंहासन आपका, यही मेरे पिता की इच्छा थी। यह तो अभी शुरुआत है। और तुम फेरों पर हमला कब करोगे? कब कब? जब सही वक्त आएगा। आमिट मेरी परछाई की तरह है, ये आपको खबर भिजवा देगा। पहले हम होरमबेब के आसपास आतंक मचाकर उन्हें डराएंगे, फिर उसकी प्यारी बेटी को अगवा करेंगे जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता है, और आखिर में उसे मौत के देवता के हवाले कर देंगे। दुआ करता हूँ कि वो दिन जल्दी आए, हिटाइट्स बहुत जल्दी। पर उस दिन ये मत भूलना, तुम्हें इजिप्ट और हिटाइट की दोस्ती का ऐलान करना होगा। हमारी जीत के बाद ये सिर्फ एक राज्य होगा, हमारी जमीन एक होगी, नदियाँ एक होंगी और आसमान भी एक होगा। और इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने इसमें कोई धोखा किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बताओ इनकी मौत कैसे हुई? महाराज, इनकी मौत जहर से हुई है, एक जहरीली जड़ी बूटी से जो धीरे धीरे असर करती है। इस जहर को आसानी से खाने में, पानी में, कुएं में या फिर किसी भी इत्र में मिला सकते हैं। इससे अचानक इंसान की मौत हो जाती है। तो ये साफ है कि इन्हें मारा गया। इनके बहुत सारे दुश्मन बन गए जब इन्होंने अमोन के प्रीस्ट से आपको फेरो बनाने के लिए कहा, और इसी बात के लिए इन्हें जहर देकर मारा गया है। मैं अपने आसपास छुपे दुश्मनों से लड़ूंगा और जीत मेरी होगी। अब आप अकेले नहीं हैं महाराज, हम सभी लोग आपके साथ हैं। तुम्हें जहर उतारने की जड़ी बूटी पता है? जी हाँ, पर उसे ढूंढना आसान नहीं है। किसी भी तरह उसका पता लगाओ, जो चाहिए उसकी मदद लो। इसके बदले हर मदद के लिए तैयार हूँ। आपका शुक्रिया महाराज, पर मुझे लगता है कि आपको किसी बात की फिक्र है। सही कहा मेरे दोस्त, हत्यारा न सिर्फ मुझे बल्कि इजिप्ट को भी खत्म करना चाहता था। दूसरों की तरह ये भी नहीं बचा। मुझे लगता है कि ये एग्जिबिस की पत्तियों से मरा है। वो संदेश पढ़ो। हमारे फेरो का इंतजार है एनिबस को। वो सबसे बड़े देवता हैं हिटाइट्स के, मौत के देवता। सुपो लिलीजैक, सुपो लिलीमा का दूसरा बेटा, एक हारा हुआ राजा, वही हिटाइट हमलावर है। वो अभी लोगों को मार रहा है। ये बताओ मुझे, किस देवता को उसके खिलाफ करना है? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ महाराज, पर क्या? बोलो बोलो। आपको खजाने की हिफाजत करनी होगी इससे पहले कि हमलावर उसे ले जाए। हीसिस, मेरी बेटी। शांत हो जाओ, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? बहुत अच्छे। मास्टर होरी, डॉक्स ने तुम्हारे बारे में बताया था मुझे पैरामसिस, जब तुम तारों के निशानों के बारे में पढ़ रहे थे। तो बताइए मेरे बारे में क्या कहा? तुम पैदा हुए थे तब मैंने तुम्हें देखा था, उस वक्त मैं तुम्हारे पिता के साथ था। वो बहुत शानदार रात थी, फूलों की घाटी में तारे चमक रहे थे,
तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो बेटा, पर अगर कुछ जानना चाहते हो तो हिसिस के पास जाओ। हिसिस प्यारी राजकुमारी। देखो उस तारे को कैसे टिमटिमा रहा है और कह रहा है दूसरों से प्यार करो जिससे तुम्हारी उम्र लंबी हो। तारों का यही कहना है। देवता हमेशा आप दोनों को खुश रखे। ये आदेश पत्र है, आपको आपके पिता के पास जाना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ फौरन चलूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की सजा फेरो को मिले। चलो चलते हैं, चलो। शहजादे आओ। आप तो मुझसे कहोगे कि वो बचकर भाग गया। बस थोड़ा सा फासला बाकी था, बस थोड़ा सा, और वो हमारे हाथ से बचकर भाग गया। अब ये कहोगे कि तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है। नहीं नहीं, हम नहीं जानते। मुझे पता है वो कहाँ गया है। उसके पिता को अब भी अपने महान सेनापति पर यकीन है। बताओ मुझे, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो फिर जाओ। वो अपनी शाही नाव में नील नदी की सवारी कर रहा है। वो ओक ओम्बो जा रहा है पुरोहित के मंदिर में। शहजादी को लाने के लिए मुझे जहाज चाहिए। आपको उसकी जरूरत नहीं शहजादे, आप ऊँटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। आप अपने सैनिकों के साथ जाइए और मौका मिलते ही हमला कर दीजिए। बैनी, एक अनुभवी मछुआरा, ये तुम्हें उस किनारे तक ले जाएगा जहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं। कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि इस तरह से उन पर हमला होगा। इस तरह उन्हें हम चौंका देंगे। क्या आप बता सकते हैं हमें ओको ओम्बो राज्य पहुँचने में और कितने दिन लगने वाले हैं? 3 दिन और। हुक्म कौन देता है? फैरो का तीर चलाने वाला मुखिया, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। तीन, दो, एक। मगरमच्छ, मगरमच्छ। हम यहाँ कब तक रुकेंगे? कल सुबह होने तक हम रुकेंगे। आज रात आप यहाँ मेरे साथ रुक जाओ, मैं आपको तारे पढ़ने का तरीका सिखाऊंगी। उस पुल के नीचे कोई है। हिटाइट्स के हमलावर आ रहे हैं, पुल को घेर लो। आगे।
जिंदा रहना है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम दोनों को मैं सही सलामत थीब ले जाऊंगा। तलवार फेंको, अब तुम मेरे कब्जे में हो। मैं फेरो की खूबसूरत बेटी को हिटाइट्स के हरेम के पास ले जाऊंगा, वो बहुत खुश होंगे। मैं आपसे मिलने आऊंगा शहजादी। हमें कितने दिनों तक अलग रहना होगा प्रिरामसेस? फेरो आपकी जिंदगी हिटाइट्स के हमलावरों से बचाना चाहता है। वो तुम हो जिसने मेरी जान बचाई। ये पहन लो, हमेशा पहन कर रखना। मैं चाहती हूँ तुम मुझे कभी ना भूलो। आपको कभी नहीं भूलूंगा, अगले जन्म में भी नहीं। इसे अभी पहन लो। इसे हमेशा अपने साथ रखना प्रिरामसेस। कौन लोग हैं? कहाँ से आए हैं? सोने का खजाना हिटाइट्स का है, बहादुर योद्धाओं का। आपने अपना वादा निभाया शहजादे, अब हम भी अपना वादा निभाएंगे। जब तुम फेरो के शहर को लूटोगे तो बहुत बड़ी रकम तुम्हारे हाथ लगेगी, इस बात को मत भूलना। और वो सब तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा, किसी और का हक नहीं होगा। अब हमारी जीत होगी और होरस हमेशा के लिए हार जाएगा। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठंड बढ़ने लगी है। मुझे लगता है वो लोग आएंगे तो हमें थोड़ा आराम मिल जाएगा। उनका इंतजार करना चाहिए। तब तक मैं जाकर एक मेमना लेकर आता हूँ, तुम्हें उसकी खुशबू आई, लगता है हमारा खाना बड़ा लजीज होने वाला है। वो वहाँ देखो, धूल का गुबार, लगता है बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ? हाँ? ऊंटों पर सवार हजारों आदमी। वो हजारों की तादाद में है, वो दुश्मन है। जाओ, छिप जाओ, जाओ।
वो लीबियन आदिवासी हैं जिन्होंने संधि तोड़ दी है। जाकर छिप जाओ, हम इतनी बड़ी फौज से नहीं लड़ सकते। इससे पहले कि वो थीप पहुंच जाए मैं जाकर सबको आगाह करता हूँ। जिसने ये काम किया है मुझे वो जिंदा चाहिए। चलो रथ पर आएंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये किसने भेजा है? किसी बहादुर ने। ये संदेश दाखला के ओएसएस की सरहद से भेजे गए हैं। इसे लिखने वाले बहादुर ने जो देखा वो लिख कर भेजा है। हजारों लीबियन आदिवासी हमारे राज्य पर हमला करने वाले हैं महाराज। वो तेजी से हमारे राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं हमला करने के लिए। जिसने ये संदेश भेजा है उसे आप जानते हैं महाराज। उसने आपके साथ ओरेंटे के किनारे जंग भी लड़ी थी और उसने उस जंग में हमारी बहुत मदद की थी। उसका नाम कमूटेफ था। कमूटेफ? जी हाँ महाराज, कमूटेफ। पर लीबियन आदिवासियों के साथ हमारा समझौता हुआ था और वो भी सोना देकर। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हिटाइट्स के हमलावरों का हाथ है। बेशक हिटाइट हमलावर हैं। हमारे पास 2000 जंग के रथ हैं जो उनका सामना कर सकते हैं और 50,000 ऊंट वाले योद्धा हैं। हम उनके टुकड़े कर सकते हैं और हम जरूर उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो फिर कर दो उनके टुकड़े। हसुमी, मैं फौज को तुम्हारे हवाले करता हूँ और परम से तुम्हारे साथ होगा। हम उन्हें बर्बाद कर देंगे महाराज। वो थीप की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर रहे हैं। हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम उन्हें हरा देंगे। शहजादे ने हमसे मदद का वादा किया है। पर कैसे? मुझे नहीं पता कैसे करेगा, मगर उसने वादा किया है। उसके कुछ अच्छे दोस्त रहते हैं थीप्स में। Yeah.
हमारी फौज हिटाइट्स को जरूर हरा देगी। जीत हमारी होगी क्योंकि देवता होरस हमारे साथ हैं और वो हमारी हिफाजत करेंगे। महान हसुमी की मौत हो गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे उनके पास ले चलो। चलो ये तो जहर है। ये तो नामुमकिन है। महान हसुमी को जहर दिया गया है। कातिल की तलाश करो। आपके कातिल को सजा मिलेगी। मैं आपको जरूर इंसाफ दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। हमला करो। तुमने मेरी तरह मेरी फौज का मार्गदर्शन किया। अब तुम्हें इजिप्ट की फौज का मुख्य सेनापति बनाया जाता है, जो तुमने जीत कर हासिल किया है। मैं तो बस आपका एक सेवक हूँ महाराज। आपकी फौज बेमिसाल है। आपकी वजह से ही हम ये जीत हासिल कर पाए हैं। पर जंग के मैदान में तुम थे जिन्होंने मेरी फौज को रास्ता दिखाया, और मेरी तरह ईमानदारी भी। करता हूँ रामसेस को इजिप्ट की सबसे ताकतवर फौज का पूरा अधिकार है, और ये हिटाइट की राज्य के खिलाफ जंग करेगा ताकि हम कातिल को हरा सकें। तुम इस राज्य को ऊंचाई पर ले जाओगे, और तुम्हारा रथ इजिप्ट में सोना और ऐसे हथियार लेकर आएगा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा हो। थीप की आवाम, पुरोहित और मैं तुम्हारा महाराज तुम्हें इजाजत देते हैं, और हम सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। महान फेरो, मेरे पास जो कुछ भी है आपकी वजह से है। आप मेरे पिता समान हैं। आज तुम जो भी हो अपने पिता की वजह से हो, और तुम्हें एक ऐसा बहादुर बनाया जो जंग में मौत से नहीं डरता। तुमने अपना वादा तोड़ा है टाइट। तुमने अभी तक उसे नहीं मारा। मैंने तुम्हें सोना दिया, तुम्हें छिपाया, फिर क्यों नहीं मारा? कुछ कहने से पहले सोच लो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता अंधे हो? हर तरफ आतंक मचा है, और भविष्यवाणी यही कहती है कि हौरंगबेब का मरना अब निश्चित है। वो मरेगा ही। मौत के देवता हौरंगबेब का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और जो देवता को इंतजार करवाते हैं वो उन्हें सजा देते हैं। खुद को बचाओ। एनुबिस बहुत जल्द हौरंगबेब की मौत की वजह बनेगा। उसके शैतानी इरादों के चलते आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और वो मौत के साम्राज्य से भागने की कोशिश करेगा। उसका पीछा परछाई का राक्षस करेगा, और वो उसे खत्म कर देगा। हिटाइट हमलावर। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? क्या यहाँ तुम अकेली हो? नहीं, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। वो यहाँ की देखभाल करते हैं। मुझे एक बुजुर्ग की तलाश है। वो जड़ी बूटियाँ उगाते हैं किसी गुफा के अंदर। वो यहाँ नहीं है, कई साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन आप सही जगह आए हैं। आपको जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। जड़ी बूटियाँ मैं ही उगाती हूँ। फिर तो मेरी किस्मत अच्छी है। अंदर आइए।
तुम जड़ी बूटियाँ यहाँ पर उगाती हो? हाँ बिल्कुल, हम यही उगाते हैं। वाह, ये जगह ढकी हुई है, खुले मैदान में धूप से जड़ी बूटियाँ खराब हो जाती हैं। ये तो एग्जिबिस है, फेरो इसे पाकर बहुत खुश होंगे। 47, 48, 49, 50 पूरे हो गए हैं। सोने के 50 बिस्किट, ये तो बहुत ज्यादा हैं। इतना भी नहीं, इन्हें मैं एमोन के बड़े पुरोहित को दूंगा जब हॉरमबेब की मौत होगी। इस बार उन्हें मुझे सिंहासन पर बैठाना ही होगा। 50 सोने के टुकड़ों से वो मान जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें देखो। हाँ, पर ये तो फैरो के मुकुट हैं। बेशक हैं, इन्हें देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। हाँ? आपने इन्हें चुराया है? नहीं, ये ताज हमेशा से ही मेरा था। मेरी शादी एन के सेमोन से होनी चाहिए थी शाही परिवार में, ताकि मैं फेरो बन सकता था, ना कि वो आए। और आए के मरने के बाद हॉरमबेब फेरो बन गया, जो कि एक मामूली सिपाही है, इसलिए हॉरमबेब को मरना होगा। मुझे आसमान में खतरे का निशान नजर आ रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं देखा। ऑसिराइड के बगल में देखो, ऑसिराइड के अलावा एक और निशान है तारे में, लाल दिख रहा है, दिखा तुम्हें? जो भी दिखा है बहुत डरावना है, और ये कुछ बताता है। क्या बताता है? एक महान खगोल वैज्ञानिक ने लिखा है कि मैं दो तारों के बीच एक चमकीला तारा देख रहा हूँ, और दूसरे तारे लाल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लाल तारे को नष्ट करना चाहते हैं। देवता को छिपे दुश्मन से खतरा है, दुश्मन खूंखार है और खून का प्यासा है, वो देवता को खत्म करना चाहता है। ये निशान कभी इतने साफ नहीं थे। आप क्या सोच रहे हैं हुरी? ये देवता कौन है बताइए मुझे। मेरे पिता हॉरमबेब देवता समान हैं, अब क्या होगा? वो बड़े खतरे में हैं। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मेरे पिता खतरे में हैं, मुझे जाना होगा। महाराज, महाराज आप ठीक हैं? शाम ढलने तक हम थीब में होंगे। मुझे तारों के निशान से अभी भी डर लग रहा है। काश ये सब झूठ होता, पर तारों के इर्द गिर्द हमने खून जैसा लाल रंग देखा है। आ,
10,000 आदमियों को फौज में भर्ती किया जाए, वो फैरो की हिफाजत करेंगे और तुम थीब्स की चारों ओर फौज को तैनात कर दो, दीवारों पर तीरंदाज तैनात कर दो। हमारे खोजकर्ताओं को हर दिशा में भेजो और उन्हें जानकारी लेकर आने के लिए कहो। फैरो के किले के हर दिशा में सिपाहियों को तैनात कर दो ताकि जरूरत पड़े तो खुद की हिफाजत की जा सके, समझ गए तुम? ऐसा ही किया जाएगा। हमारे महान होरम्बेब फैरो के लिए हमारी फौज हर बात के लिए तैयार है। कैसी है तबीयत? बदला लेने के लिए जहर दिया गया पर इनकी जान नहीं गई क्योंकि महान फैरो फौरन पानी से बाहर आ गए थे। क्या तुम इन्हें बचा सकते हो? नहीं, जहर उतारने वाली दवाई के बिना नहीं, या फिर कोई चमत्कार हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हैनुल को जड़ी बूटी जरूर मिल जाए, और वो भी वक्त पर ताकि इनकी जान बच सके। हमें उसके पास खुद जाना होगा ताकि हम जड़ी बूटी जल्दी ला सके। उसे इस बात का पता नहीं है कि फैरो के ऊपर हमला हुआ है। फैरो को तुम्हारी जरूरत है, वो मर रहे हैं। चलो चले। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या इस खंजर को पहचानते हो? जहां तक मेरा ख्याल है ये हिटाइट का खंजर है। ये देखो, ये है एग्जिबिस, वो जानलेवा जड़ी बूटी। जो आदमी इसे लाया था उस पर कुत्ते ने हमला किया था, पर वो बचकर निकल गया। और अब हमें क्या करना चाहिए? जिसने इसे बनाया उस कारीगर को ढूंढो। इस पर उसका निशान है, वो बताएगा कि इसे किसने खरीदा था। उससे ढूंढो परामसेस, ढूंढो। उससे एक गलती हुई है, लगता है कि हम हमलावर को जल्द ही पकड़ लेंगे। देवता तुम्हारे साथ हैं, उसे पकड़ो। मुझे ये बताओ, इस दुकान का मालिक कौन है? लाइजैक। मुझे उसके पास ले चलो। नहीं ले जा सकता हुजूर, वो अपने संरक्षक के पास गए हैं। लाइजैक संरक्षक के पास गया है? कौन है वो? मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बताओ कौन है वो? उसका नाम बे है, सेनापति। हाँ? क्या कहा? वो बदमाश बे? उसे तंबू में लेकर आओ। हिटाइट हमलावर वो किसी काम का नहीं, वो इस बार फिर से नाकामयाब रहा। नहीं, इसे तो मंदर रखो, वहां ज्यादा सुरक्षित है। बताओ वो कहाँ है?
कहाँ गया है वो? तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं बात कर रहा हूँ लाइजेक के बारे में, हिटाइट का हमलावर, वो कातिल सप्ली ल्यूमा का बेटा, हिटाइट्स का राजा जिसे होरंबेब ने मार डाला था। तुम इस जीत के लिए बहुत छोटे हो, बहुत ही छोटे। बेशक तुम मुझे मार सकते हो, पर हिटाइट हमलावर तुम्हारी जान ले लेगा जैसे उसने फेरो की जान ली। वो जीत जाएगा और मैं उसके साथ हूँ। तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरे पास, एक नायाब तोहफा। मेरे लिए तोहफा? जो पहले से इतना अमीर है और जो फेरो से भी ज्यादा अमीर है। ये लो, इसे पहचानते हो? तुम्हारा नायाब तोहफा इसके अंदर है, जरा देखो तो एक बार। जो तुमने फेरो को दिया उसे अब तुम खाओगे। खाओ, मैंने कहा खाओ। महान सेनापति को मार दिया गया है और उसके बेटे को भी, अब हम क्या करेंगे बताइए। मेरे वजीर हो, मुझे लगता है सबसे छोटे, लेकिन इजिप्ट के लिए सबसे बेहतर। मैंने अपना फर्ज निभाया महाराज, सिर्फ अपना फर्ज। और तुमने मेरे राज्य को बचाया है पैरमसेस। मैं अपना काम पूरा करूंगा ये वादा करता हूँ। मैं हिटाइट के हमलावर को खोज निकालूंगा महाराज, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। उसे ढूंढना बंद करो, इस वक्त अमन जरूरी है। अब इजिप्ट के राज्य को अच्छी सरकार की जरूरत है। हिटाइट के कातिल की हार हुई, तुम देखना वो वापस आएगा और जीत हमारी होगी। लोग आपसे मिलना चाहते हैं महाराज, वो आपको नजदीक से देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होने की वजह से वो दुखी थे, पर अब खुश हैं। मैं उनसे जरूर मिलूंगा।
तुम्हारे कदमों की आवाज बेहद शानदार और नपीतुली है। तुम्हें जरूर कोई राजा होना चाहिए। मैं हूँ हौरंगबेब फैरो। उठिए श्रीमान, देवी को मेरे लिए जगाओ, मुझे ओरेकल के बारे में जानना है। बैठो, मैं आपके सामने बैठूंगा। ये सम्मान है, धन्यवाद आपका। बहुत पहले मैं एक योद्धा था। मुझे याद है जब आप हिटाइट के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। आप अपने रथ पर थे और उनके खिलाफ मुकाबला कर रहे थे। मुझे याद है कि आपने दुश्मनों को किस तरह से हराया था, और आपके साथ वो बेहतरीन योद्धा भी था जो एक बहुत बड़ा तीरंदाज था। आप तो पहले से ही फेरो हैं। और अब क्या? 30 साल गुजर गए और आपने एक भी जंग नहीं हारी है। और अब मेरा दुश्मन वो जहरीला सांप जिसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया पर मेरे राज्य को धमका रहा है। हर दिन आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिश करते हैं और आपको मारना चाहते हैं, और वो आपकी पीठ पर खंजर का वार करना चाहते हैं जो हिटाइट के राजा के साथ हुआ। मैंने उसके खिलाफ फौज इकट्ठा कर ली है। मैंने बाहर से आने वाले सभी रास्तों पर 10,000 की फौज तैनात कर दी है। मैंने उसके किलों को तबाह कर दिया। आप देवताओं की शक्ति नहीं जानते, वो आपके पीछे हैं। मैं अंधा हूँ पर मैं आग के उस पार भी देख सकता हूँ। मुझे समंदर दिखाई दे रहा है, उसके हथियार दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊंट, उसका कारवां, साथ ही उसकी हार भी। पर आप मुझे क्या बताने से डर रहे हैं? पर उसे मारने वाली तलवार किसी और की होगी जो आपसे प्यार करता है। पैरामसेस, तो तलवार उसी की होगी। अपना प्रस्ताव होरस की पवित्र पत्नी के सामने रखिए। ओरेकल ने सब कुछ बता दिया है, अब ये और कुछ नहीं बता सकता। सबके सामने पढ़ता हूँ। एपिस वो बैल जो अनंत चमकदार है और सूरज को रोशनी देता है। हॉरस फैल्कन फैरो इजिप्ट के राज्य में विराजमान है। मैट पवित्र प्यूमा इंसान और कुदरत के इंसाफ का रखवाला, पवित्र विचार लिखने वाला और सच्चाई का रखवाला। एमोन जो सबसे ऊपर हैं और देवता से जन्म लेने के बाद अपनी अद्भुत शक्ति हासिल करने वाला। आज से मैं अपना सिंहासन पैरामसेस को सौंपता हूँ, और जो एक समझदार नेता के तौर पर दोनों राज्यों को संभालेगा। आज से मैं इसे रामसेस का नाम देता हूँ, और इसके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा और जो पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगा। तुम महान हो रामसेस, अनंत देवता एमोन के भाई। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा महाराज। नहीं, तुम एक बहादुर के बेटे हो जो मेरे तीरंदाजों का मुखिया था, जो जंग में मारा गया, और उसका एहसान मुझ पर बाकी है। और अब तुम मेरे बेटे हो। काश तुम्हारे पिता ये सब देखने के लिए जिंदा रहते और देखते कि उनका बेटा क्या बन गया है। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे से मिलो। जाओ महाराज को प्रणाम करो।
तुम भी अपने पिता की तरह बहादुर हो। मेरा नाम अपने दादाजी के जैसा है, जो एक महान तीरंदाज थे। मैं तुम्हारे दादा को जानता था, जो एक महान तीरंदाज थे, और इजिप्ट को हमेशा उन पर नाज रहेगा, हमेशा। ये सोना तुम्हारे आदिवासियों के लिए है। मैं हाइनोबिया के लिए और भी सोना दूंगा, जब वो अपने योद्धाओं के साथ जंग में हमारी मदद करेंगे, और अगर हम जीत गए तो उन्हें और भी बड़ा खजाना मिलेगा। इस सरजमीन से ही महान नील की शुरुआत हुई थी, जो इजिप्ट की असली धरोहर है। इस धरती पर शेर, जिराफ, हाथी, ऊंट और घोड़ों का जन्म हुआ था। ये सभी बहुत सुंदर और प्यारे जानवर हैं, और ये धरती जहाँ सोना, चांदी और इजिप्ट के महान देवता बसते हैं, ये हमारे देवता हमें इजिप्ट में छिपे खजाने का मालिक और फेरो बनाएंगे। शहजादा हूँ हमलावर। तुम अभी भी जिंदा हो? हमें तो खबर मिली थी कि तुम मर चुके हो। इसलिए कि तुम अपने परछाई के देवता से कह सको कि मैं जिंदा हूँ और उनसे बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। पकड़ो उसे, कोई भी इजिप्शियन बच के जाने ना पाए, मुझे उसकी लाश देखनी है। उस नाव में एक आदमी है, वो मर चुका है, उसे निकालो। ये जिंदा है, इसे ऊपर ले लो। मैं कहाँ हूँ, तुम लोग कौन हो? तुम थीब में हो मेरे दोस्त। इतना क्या जरूरी काम था कि तुमने रात के इस वक्त मुझे आकर जगाया? बताओ। नदी के किनारे से न्यूबियंस हमारे राज्य पर हमला करने आ रहे हैं महाराज। वो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैंने उन्हें देखा है महाराज, मेरे किले पर भी हमला हुआ है, उन्होंने हर जगह हमला किया है। वो 10,000 से भी ज्यादा है, हम कुछ सौ ही है। मेरे सभी साथी मारे जा चुके हैं महाराज, मुझे आग में फेंका गया था। मैं बच तो गया, पर दुश्मन का ये जेवर मेरे हाथ लग गया। क्या तुमने उसे मार दिया? मुझे नहीं पता महाराज। पर ये तो सुपुलिलिज़ेक का है, हिटाइट हमलावर। उसने न्यूबियन के आदिवासियों को आपके खिलाफ भड़काया है महाराज। कल शाम होने से पहले तुम थीव्स पहुंच जाओगी। 30 साल पहले उसने मेरे पिता को मारा था, और अब उस बात का बदला लेने का वक्त आ गया है। तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाएगा दोस्त, और हम सब नीबिया वासियों को आखिरकार हमारी नदी और उसका अधिकार मिल जाएगा। इजिप्ट के देवता आपकी मदद करें, तारे आपकी मदद करें, और आप जीत हासिल करके लौटें।
अच्छा ये बताओ, तारे मेरे बेटे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बेशक वो जरूर जीत कर आएगा, क्योंकि आपका उत्तराधिकारी है। ऊपर वाला तुम्हारी दुआ सुने और ये सब कुछ सच साबित हो। उसका ख्याल रखिएगा, वो बहुत छोटा है। उसकी उम्र में मैं तो होरमबेब के रथ पर जंग लड़ रहा था, और उसके बाद मैंने हिटाइट्स के खंडहरों में जाकर जंग लड़ी है। अब मैं जंग में आपके साथ रहूंगा और जंग जीत कर वापस आऊंगा, आप देख लेना। मेरे लिए तो आप ही फेरो हैं। ये कबूतर यहाँ किस लिए है? मुझे अभी नहीं पता, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम्हारे पिता दुश्मनों को चकमा देना चाहते हैं, ये एक बड़ा राज है। जब हम थीव्स पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें फेरो के महल के अंदर ले जाऊंगा। मुझे उस शहर का चप्पा चप्पा पता है, क्योंकि मेरे कुछ अच्छे दोस्त थीव्स में रहते हैं। देखो इजिप्शियंस की नावें। ये हजारों की तादाद में है, हमने उन्हें देख लिया, अब वापस चलो। उन्होंने भी हमें देख लिया है और अब वो भाग रहे हैं, चलो उनका पीछा करें। मेरा वादा है कि हम उनकी ये दीवार तोड़ देंगे। आगे बढ़ो। कबूतरों को आजाद कर दिया है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमें बदला लेना है, मुझे बदला लेना है। औरंगजेब कहाँ है? वो जंग करने क्यों नहीं आया? फेरो इजिप्ट के देवता हैं, वो तुम जैसे बेवकूफ से लड़ने के लिए कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। हिटाइट कभी नहीं मरते।
मुझे भी आप ही के जैसा बनना है पिताजी। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम हर रोज इसी समय आते हो और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। 62 सालों से मैं हर रोज आ रहा हूँ महाराज। मुझे रामसेस की जीत की खबर मिल गई है और साथ ही साथ हिटाइट की मौत की भी खुशी की बात है। पर आज तुम हौरी के साथ क्यों आए हो? क्योंकि इसने तारों को देखकर जाना और मैंने आपके शरीर को देखकर। मुझे सच सुनने में बिल्कुल डर नहीं लगता महान ज्योतिषी। मुझे पता है कि मैं लड़ा हूँ और मैंने जीवन पर जीत हासिल की। मैंने वो खुशियाँ हासिल की जिसकी एक इंसान को चाहत होती है। ऊपर वाले ने मुझे बेहतरीन और मजबूत उत्तराधिकारी दिया। ये सच है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आप हमेशा खुश रहेंगे। तारों का कहना है कि देवता आपका अंत रोशनी में इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना प्रस्ताव बता दिया। इजिप्ट के लोग आपके शुक्रगुजार हैं महाराज, क्योंकि आपने राज्य को दोबारा से बनाया और अपने दुश्मनों का खात्मा किया है। अंत में देवताओं से ही सब हासिल होगा। इजिप्ट को उन्होंने अपना बेटा माना, जो उन्हीं की तरह अनंत है। जब तुम ताज पहनोगे इसे याद रखना। सही फैसला करने वाले रामसेस महान, होरमबेब के उत्तराधिकारी, रामसेस इजिप्ट राज्य के नए फेरो, आप होरस महान हैं, महान फाल्कन, सबसे पवित्र रामसेस। आप हर जगह राज करें, आपको हर जगह की जानकारी मिले, आप अपने दुश्मनों का खात्मा करें, अपना बदला उनसे लें, आपकी दोस्ती बरकरार रहे, आप एक महान शासक बने, हमारे सब देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे, आपका नाम अमर रहे महाराज, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, आपके नाम से दुश्मनों का कलेजा कांपे, आप चक्रवर्ती सम्राट बने और आपके राज्य में खुशहाली बनी रहे महाराज।